पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर हाँ। एक रिव्यू जरूर करना चाहिए, खासतौर पर पहाड़ों में जिस तरीके से रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से सुरंगों का पूरा नेटवर्क बनाया जा रहा है कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन पीके मिश्रा जी, जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला, इसमें हमने देखा कि कई बार ऐसे नाटकीय मोड़ भी आए, कहा कई बार ऐसी स्थितियां आई कि जिस मेन रास्ते से जो अप्रोच बनाने की कोशिश हो रही है वहां पर अड़चन आई, उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग की कोशिश की गई, इसके बाद जो दूसरा रास्ता है टनल का दूसरा एंड है वहां से भी ड्रिलिंग की कवायद शुरू की गई, हालांकि जो रास्ता बनता दिख रहा वो फिलहाल उस मेन रास्ते से ही बनता हुआ दिख रहा है। ये जो अलग-अलग अप्रोच थी, ये कहां पर आपको लगता है कि कितनी कारगर थी, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग का रास्ता भी जो है क्या इसके अंदर एक ऑप्शन हो सकता था? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टेरेन। ये टेरेन जो है, आप देखिए, अभी तपोवन का टनल का इंसिडेंट हुआ था, तो अभी मैं सुन रहा था नवीन जी को कि अर्थक्वेक अगर होगा तो इस टनल में क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा हिमालयन रेंज जो है ये अर्थक्वेक प्रोन है। तपोवन में हमारा कितनी श्रमिक मारे गए थे, तकरीबन 115 अभी अभी हुआ था, जान चला गया था। लेकिन यहाँ जो है ये बहुत टिपिकल चीज है, आपका इसमें डिपेंड करेगा इस जगह पर उत्तरकाशी में कि आप पैरेलल जा सकते हैं या वर्टिकल जा सकते हैं, या आपने 60 डिग्री में जब भी जा सकते हैं या 45 डिग्री में भी जा सकता है। मेन चीज है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो आप जहां पर ड्रिलिंग करेंगे, अगर मशीन को लगाएंगे, अगर मशीन का ड्रिलिंग मशीन आप लगाएंगे, वो ड्रिलिंग मशीन से टनल तक का जो दूरी है उसके बीच में किस टाइप का मिट्टी आता है, सॉफ्ट मिट्टी है, पत्थर है, या रेत है, या मिक्स स्टोन है, ये हर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि इस टाइप का ड्रिलिंग मशीन कितना टाइम लेगा, किस टाइप का पाइप इसमें जरूरत। सिर्फ ड्रिलिंग मशीन होने से नहीं चलेगा, आपको पाइप भी देखना पड़ेगा, कौन सा पाइप आपको दे सकता है, और आप अगर किस तरीके का पाइप इस्तेमाल किया जा रहा है सर, इसके अंदर उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ कही जाए, वो उसकी मोटाई कैसी होती है, ये जो पाइप है आप देखेंगे, जो 800 mm का जो डाले हैं, इसका जो स्ट्रेंथ है, इट इज ऑलरेडी चेक्ड। ये कम से कम जो है भारी वेट इसके ऊपर लेने से भी ये क्रैक नहीं करेगा, ये इट इज ऑल रेजिस्टेंस इसका चेक किया गया है। तो उसको उस अभी जो डाले हुए हैं 800 mm का, ये जो है पर्टिकुलरली उस टेरेन में, उत्तरकाशी टेरेन में वो सह लेगा, अगर उसके ऊपर फिर भी मलवा पड़े उस वो अंदर नहीं जा सकता है और क्रैक नहीं कर सकता है। ये तो दिस हैज बीन टेस्टेड और ये सेफ है। आप जो बोल रहे थे कि वर्टिकल हम जा सकते हैं, होराइजेंटल जा सकते हैं या कोनिकल जा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा उस। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन एक बार फिर ग्राउंड जीरो को रुक करते हैं, क्योंकि हर कोई नजरें लगाए हुए है कि आखिर वो खुशखबरी कब आती है इस टनल से। अंजलि हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, इस समय के अपडेट के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे कि इस समय जो कुछ कवायद चल रही, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीमें बड़ी तेजी से अंदर जा रही हैं, वहां पर स्ट्रेचर्स भी उनके साथ हैं, तमाम इक्विपमेंट्स उनके पास हैं, अभी फिलहाल क्या हलचल? जी देखिए, बिल्कुल आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरह से एनडीआरएफ की जो टीम है वो अंदर गई अपने ब्रीदिंग एपरेटस लेकर, और इसके साथ ही यहाँ पर जो अंदर अभी थोड़ी देर पहले वेल्डिंग का काम भी किया जा रहा था, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि पाइप जो है वो तकरीबन अब अंदर जाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी कुछ और घंटों में, और इस बीच में जो परिवार के लोग हैं हम उनसे भी आपकी बात करा रहे हैं। इंतज़ार कितना लंबा हो रहा है इंद्रजीत जी, अब ये बताइए। बहुत धीरे धीरे बढ़ती जा रहा है समय, लेकिन फिर भी खुशी है कि आज शायद कंप्लीट हो जाएगा ऑपरेशन, तो इस खुशी तो है कि आज। आपसे बात करेंगे देवेंद्र जी, आपको 11 दिन हो गए, हाँ इतना इंतज़ार कर लिया, आज का इंतज़ार कैसा लग रहा है? देखिए, आज का इंतज़ार तो बहुत सुखद है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो भी मतलब कि ये लास्ट ड्रिलिंग है, मेरे ख्याल से लास्ट ड्रिलिंग है, तो करीब करीब हमारा एक्सपीरियंस या कुछ भी है, तो हमको इस तरह लगता है कि 11 बजे तक आ जाएगी खुशखबरी। 11 बजे तक का समय बता रहे हैं, आपको ये लगता है 11 बजे तक सब
सही सलामत अच्छी खबर। बिल्कुल अंजलि, ऐसा लगता है कि ये लोग भी एक किस्म की तपस्या कर रहे हैं उस गुफा के मुहाने पर बैठे हुए, उस टनल के मुहाने पर बैठे हुए, क्योंकि लगातार वो 11 बजे तक यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर 11 बजे तक हो जाएगी तो बहुत ही, अब किसी भी पल अगर बाहर आ जाते तो खुशी का पल ही रहेगा। जी देखिए, बिल्कुल 11 बजे क्या 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, जितना भी इंतज़ार करना पड़े, यहाँ पर सब डटे हुए हैं, हम भी डटे हुए हैं, रेस्क्यू की टीम डटी हुई है और ये तमाम परिजन भी डटे हुए हैं, कोई नहीं हटने संक्षेप वाला। संक्षिप्त में एक अपडेट बता दीजिएगा कि मेडिकल टीमें कितनी वहाँ पर तैनात रखी गई हैं और किस प्रिपेयर्डनेस के साथ उन्हें तैयार रखा गया है। देखिए, जहाँ तक बात करें मेडिकल टीम की, तो पहले से ही यहाँ पर तैयारी जो है वो कर ली गई थी। एक अस्थाई यहाँ पर हॉस्पिटल का सेटअप जो है वो लगा दिया गया था, जिसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स और प्राइमरी एड से जुड़ी सारी चीज़ें, ईसीजी मशीन, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। 20 के करीब एम्बुलेंसेज यहाँ पर मंगा ली गई थी। इसके साथ बाकी एम्बुलेंसेज को भी, जो ज़िले की एम्बुलेंसेज हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पर एयर एम्बुलेंस को भी अलर्ट पर रखा गया है और एम्स हरिद्वार में भी अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है पहले से ही। और डॉक्टर्स की एक टीम है, तकरीबन 10 डॉक्टर्स हैं जिनमें मनोचिकित्सक भी शामिल है, तो इन तमाम लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। जैसे ही लोग बाहर आते हैं तो सबसे पहले तमाम इंजीनियर्स, तमाम मशीनें, तमाम मेडिकल टीमें तैयार हैं और इंतजार चल रहा है कि उन मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया पीके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही नवीन भटनागर जी आपका भी, तमाम अपडेट्स और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझाने के लिए। Z News.